नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानोराम आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। आज मित्रों, एक फिर मैं एक ही दिन का एक घंटे का समी अमल लेके आया हूँ। ठीक है, ये भी हमजाद का है और ये भी अचूक है और मुजरब अमल है। लेकिन ऐसे हमजाद के अमल करने के लिए पहले गुरु की इजाज़त लेना लाजमी है, ज़रूरी है। तो इसकी विधि तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस अमल को करने के लिए आपको जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है कि 4 से 7 साल का बच्चा, ये बच्चे का हमजाद है मित्रों, बड़ों का नहीं, बच्चे की हमजाद की साधना है। ठीक है, 7 से 4 साल का बच्चा कोई मर जाए शनिवार या मंगलवार के दिन, तो उसको जब कब्र में उतारा जाता है, ये खासकर मुसलमान भाइयों के भी लिए हैं और हिंदू करे तो फिर वो अपनी व्यवस्था के अनुसार कर सकता है। जब उसको कब्र में उतारा जाए, उतारते वक्त चार आने होते हैं ना मित्रों, आने पहले आते थे 1 आना 2 आना, इस हिसाब से 4 आने या फिर 4 पैसे, जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से पैसे रख दीजिए। उनके सिराने रख कर कहो कि ये तुम्हारी चीज के पैसे हैं, खा लो, इतना कहना मित्रों आपको। और इतना कहने के बाद एक मंत्र है, वो पढ़ना है। और पहले घर में खीर पका कर 2 प्लेट में रख कर आ जाओ। ठीक है, ये पहले आपको पका के रखनी है, ये कब्र को ले जाने से पहले घर में आकर खीर 2 प्लेट होती ना, उसमें पका कर रख कर जाओ। और वापस आकर पर्दे में बैठकर 1 प्लेट में एक तरफ रख कर कहो लो फला खा लो। फला यानी जो आदमी है, जिस बच्चे का आपको नाम, उसको कहो लो खा लो। और खा लेगा, जो खीर आपने प्लेट में रखी थी वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी और वो जो आदमी, जो वो बच्चा है, वो खीर खा लेगा लेकिन नज़र नहीं आएगा। और दूसरी खीर की प्लेट में खीर भी नज़र आने आएगी आपको, और ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ये जो बच्चा आपको नज़र नहीं आएगा, ये एक मतलब बगैर डर बगैर खौफ वाला हमजाद है। तो इसमें ज़्यादा कर कोई डर भर भी नहीं है, क्योंकि ये एक बच्चे का हमजाद है और दूसरी बात इसमें खतरा भी नहीं है। मित्रों, तबीयत थोड़ी गड़बड़ है इसलिए खांसी आ रही बार बार, जो काम भी हो गया है। तो ये बच्चे का हमजाद वाला मैंने आपको बताया, ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, अपना मुकाम पर एक सफ़ेद, मतलब मुकाम यानी जो आपका घर है उसके ऊपर एक सफ़ेद साफ सुथरा पर्दा वाली जगह बनाए, यानी अपने घर में या किसी छत के ऊपर ऐसी साफ सुथरी, यानी एक कमरे में एक पर्दा लगा लीजिए, जैसे पर्दा लगाते हैं, लगा लें। और जब भी काम करवाना हो तो उसका मंत्र है वो पढ़ना है, और काम करवाना हो तो वापस आना है, और जैसे ही आपको वो पर्दे के पीछे आपको जब कोई काम करवाना हो तो पहले मिठाई लेकर रख लो, ताकि मिठाई खाने में परेशानी ना हो। जैसे आपको पता चलेगा वो मिठाई ले कर रख लो और मंत्र है वो, उसका सिर्फ 5 ही बार आपको जाप करना है। ये कोई ख़तरनाक काम नहीं मित्र, कोई भी कर सकता है। ठीक है, और उधर मिठाई रख लो और उसको को खा ले, वो जैसे ही देखोगे आप वो पर्दे के पीछे रख लो, वो खा के आपको नज़र नहीं आएगा, जब पर्दा उठा के देखोगे तो वहाँ पर मिठाई गायब होगी। ठीक है, तो समझ लो कि
ये आपका वो हमजाद है बच्चे वाला, वो वहाँ पर खड़ा है, तो उसको कहो कि भाई मेरा फला काम है, रिक्वेस्ट से उसको कहो कि कर दो, तो वो आपका काम दो से तीन घंटे में वो काम कर देता है, ज़्यादा कर 2.5 घंटे का इनो का लास्ट टाइम है, ये चुटकियों में काम कर देता है, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि 2.5 घंटे इनो का ढाइया का काम होता है, ये 2.5 घंटे में, 2.5 मिनट में, 2.5 सेकेंड में, 2.5 दिन में कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक गुप्त साधना थी जो मैंने बताई है, और आगे चल के और भी ऐसी ऐसी साधना बताऊँगा, और इस साधना पर भी मेरा इनाम है, अगर इस साधना में किसी को सफलता ना मिलती है तो उसको मैं जुर्माना भरूंगा 1 लाख रुपए, अगर ना मिलती है तो मेरे से कांटेक्ट करके मेरे आदेश के अनुसार अगर इसको कोई साधना करता है, अगर ना सफलता मिलती है तो उसको मैं 1 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हनुमान बाबा। हनुमान बाबा अपनी कृपा आप सभी पर भी रखे और मेरे पर भी रखे। जय श्री राम।